हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय के दूसरे चैप्टर की, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, वो कंप्लीट 6 पार्ट के अंदर मैं जो है अपलोड कर चुका हूँ। अलग अलग 6 वीडियो है, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके आप जो 10th क्लास की साइंस की प्लेलिस्ट है उसमें से वो वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी समझने में, और हम वीडियो दर वीडियो इम्प्रूवमेंट जो है वो लगातार करते चलेंगे। अब बात करते हैं अम्ल, क्षार और लवण की। तो ये जो अम्ल, क्षार और लवण है, इन सब की अलग अलग बात करने से पहले हम एक टेस्ट पे चलते हैं। बड़ा कॉमन सा टॉपिक है, हम सभी हर एक चीज़ को टेस्ट करते हैं, तो अलग अलग टेस्ट हमें महसूस होता है, कभी मीठा, कभी खट्टा, कभी नमकीन, कभी कड़वा, इस तरीके से अलग अलग। तो ये जो टेस्ट हैं उनके लिए अलग अलग जो उन चीज़ों के अंदर केमिकल उपस्थित हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो उत्तरदायी होते हैं, जिनकी वजह से इनका अलग अलग टेस्ट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि नींबू है, उसको अगर टेस्ट करते हैं तो वो बहुत तेज़ खट्टा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक केमिकल होता है एस्कोर्बिक एसिड, और जो एस्कोर्बिक अम्ल है उसकी वजह से वो इतना खट्टा होता है, ठीक है। उसके बाद दही की बात करें तो दही भी आपको खट्टा लगता है, उसमें होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको टेस्ट में कड़वी लगती है, उनके अंदर जो कोई क्षार है वो उपस्थित हो सकता है। तो पहले हम आज बात करेंगे अम्ल जो है उनकी, ठीक है। तो अम्ल ऐसे रसायन जिनका स्वाद खट्टा होता है, ये क्लासिकल डेफिनेशन है इसकी, कि हर वो चीज़ जिससे आपको खट्टा टेस्ट मिलता है वो किसकी वजह से होते हैं? अम्ल की वजह से होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे इन चीज़ों में सुधार हुआ कि हर चीज़ खट्टी हो, और ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर अम्ल हो, लेकिन स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि मोस्ट ऑफ खट्टी चीज़ें हैं उनके अंदर क्या होता है? अम्ल होता है, ठीक है। तो अब जो अम्ल है उसके बहुत सारे रूप होते हैं, और अलग अलग रूप हैं, उनको हम पहचानें। उसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी सब्सटेंस है उसका पता कैसे चले कि वो अम्ल है या वो क्षार है, ठीक है। तो उनके लिए यूज होते हैं इंडिकेटर, सूचक इंडिकेटर। और ये सूचक जो है ना, वो विशेष तरीके की डाई होती है, डाई समझ रहे हो, जो रंग परिवर्तन होता है, ठीक है। और ये अम्ल और क्षार के साथ मिलने के बाद अलग अलग रंगों में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। और जब परिवर्तित होती है तो पता चल जाता है कि ये एसिड है या ये बेस है, यानी कि अम्ल है या क्षार है। इनके अंदर मिथाइल ऑरेंज है, फिनोफ्थेलिन है, ठीक है, ये अलग अलग इंडिकेटर होते हैं। लेकिन उनसे भी अगर बात करें कॉमन एग्जांपल की, तो उसमें आता है लिटमस के पत्थर भी होते हैं, पेपर होते हैं लिटमस के, और लिटमस का विलयन भी होता है, ठीक है। और दो तरीके का होता है लिटमस, एक तो होता है लाल और एक होता है नीला, दो रंग होते हैं लिटमस के, लाल और नीला। और ये दोनों जो अम्ल और क्षार है उनको पहचानने का काम करते हैं, ठीक है। जो अम्ल है वो क्या करता है, नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, ठीक है, नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। अब जो स्क्रीन पे आप इमेज देख रहे हैं, इसके अंदर एक जो है ब्लू लिटमस लिया नीला, और उसके ऊपर एसिड की ड्रॉप डालने से वो कैसा दिखाई दे रहा है, चेंज, रेड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो नीले लिटमस को लाल में बदल दे उसको बोलते हैं अम्ल, ठीक है। और ये बदलेगा क्या, लिटमस, ठीक है। उसके बाद इसका जो उल्टा होता है वो होता है क्षारक के लिए, जब क्षारक पढ़ेंगे तो उस टाइम बात करेंगे कि जो नीले हैं उसको लाल में बदलें तो वो हो गया अम्ल,
और जो लाल है उसको वापस नीले में बदलता हो, लाल को नीले में बदलता हो, तो उसको क्या बोलेंगे? लाल लिटमस को नीले में बदलने वाले को बोलेंगे क्षारक। ठीक है, तो अब यहाँ इसकी परिभाषा के अंदर एक चीज और ऐड होगी कि जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, लाल में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये जो सूचक वाला पार्ट है, डाई वाला पार्ट है, ये आगे और एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। बस लिटमस का जिक्र करना जरूरी था आज, कि लिटमस जो है ना वो एक तरीके से नेचुरल प्राकृतिक जो है डाई है, प्राकृतिक सूचक है जिससे अम्ल और क्षार का पता चलता है। और लिटमस हमें मिलता किससे है? लिटमस हमें मिलता है लाइकेन से, लाइकेन से। ठीक है, लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से। और लाइकेन जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है शैवाल और कवक का। ये नाइन्थ क्लास में आपने शैवाल, कवक ये सब जो है क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में पढ़े हैं, जो वर्गीकरण वाला चैप्टर आता है ना, ठीक है, उसके अंदर पढ़े हैं। तो जो लाइकेन है वो इन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है और लाइकेन से मिलता है लिटमस। लिटमस काम करता है एक सूचक का जो अलग अलग रंग परिवर्तन से बताता है कि दिया गया केमिकल क्षार है या फिर अम्ल है। ठीक है, तो अम्ल की डेफिनेशन में क्या था ट्रेडिशनल में, कि ऐसे सारे रसायन जिनका स्वाद खट्टा होता है वो सब अम्ल होते हैं, और जो नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। अगर आपको लाल और नीला में यहाँ कन्फ्यूजन हो रही है तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि आप ये सिंपल सा एक नाम है अनिल, बस इसको याद रख लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, ऐसे हो जाएगा अम्ल, नी से हो जाएगा नीला और ल से हो जाएगा लाल, यानी कि अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, सिंपल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो एसिड है उसको पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं आगे, तो एक चीज तो ये होगी, दूसरा रसायन जो नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ठीक है, अब कॉमन अगर कुछ एग्जांपल की बात करें जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं और उनका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो साधारण जो है उदाहरण लेते हैं हम नमक इसके, सॉरी अम्ल के, तो एक है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल ये आपको मिलता है नींबू में, संतरे में, जो सिट्रस फ्रूट जिनको बोलते हैं ना वो सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल ये आपको मिलता है सिरका में, जो सेब का सिरका होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल आपको वहाँ मिलेगा। उसके बाद है लैक्टिक अम्ल, और जो लैक्टिक अम्ल है वो मिलता है आपको दही में। ठीक है, वो मिलेगा दही में। उसके बाद एक होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, और जो फॉर्मिक अम्ल है वो मिलता है आपको चींटी के डंक में, जो चींटी होती है स्टिंग होता है उसका, उसके अंदर मिलेंगे फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल है जो डेली लाइफ में घरों के अंदर चलते रहते हैं और इनका हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो अम्ल है उनका क्लासिफिकेशन करें तो बड़ा साधारण सा है, अम्ल दो तरीके के होते हैं,
एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, और दूसरे होते हैं मिनरल एसिड, ठीक है, खनिज अम्ल। फर्क सिर्फ क्या है दोनों में कि ये हमें पादप और जंतुओं से मिलते हैं, पादप और जंतुओं से, जैसे दही के अंदर मिल गया, नींबू के अंदर मिल गया। तो ये जो उदाहरण है ना लैक्टिक एसिड के, लैक्टिक अम्ल के, ठीक है, सिट्रिक अम्ल के, ये सब क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनिक साल्ट, ऑर्गेनिक एसिड, और जो खनिज है वो सब प्रयोगशाला में बनने वाले, प्रयोगशाला में निर्मित अम्ल, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, ये सब। तो ये आप जो है मिनरल एसिड में लेते हैं। अब HCl में किसी बच्चे को डाउट हो सकता है कि जो हमारा इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्टोमेक जिसको बोलते हैं, उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जठर रस, उसके अंदर HCl होता है, लेकिन वो बहुत टीनी अमाउंट होता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं बोल सकते, या वो हम बड़े अमाउंट में वहाँ से नहीं ले सकते, इसलिए उसको मैंने खनिज अम्ल में लिख दिया है, ठीक है। तो ये अम्ल जो है उसका एक तरीके से इंट्रोडक्शन हो। तो अगला टॉपिक है आपका अम्ल की विशेषताएं, या फिर लिख सकते हैं गुणधर्म, ठीक है। तो जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, अम्ल मुख्यतः स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, जो पहला है वो ये गुण हो गया इनका। दूसरा, अम्ल धातुओं से क्रिया करके, अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये भी जो अम्ल है उसका एक गुण हो गया। उसके बाद तीसरा है अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, ठीक है। ये तीन सामान्य गुण हैं। वैसे इसके इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ लिए थे, लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अम्ल जो है उसकी विशेषताएं बताइए, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भी ये क्या पूछ लिया हमसे। चीज़ें वही है जो उसके बारे में पढ़ी हमने, ठीक है। तो ये अम्ल जो है उसकी विशेषताएं होगी। उसके बाद एक छोटा सा टर्म है अम्ल से रिलेटेड, उसका आपको पता होना चाहिए। एक होता है तनु अम्ल, डाइल्यूटेड एसिड, और एक होता है सांद्र अम्ल, कंसंट्रेटेड एसिड। तो जो तनु अम्ल है उसके अंदर क्या होता है, ज्यादा मात्रा में
जल होते हैं, ठीक है, ज्यादा मात्रा में जल और बहुत कम मात्रा में अम्ल होता है। जबकि सांद्र अम्ल में क्या होता है, न्यूनतम संभावित जल की मात्रा तथा अम्ल अधिक मात्रा में, ठीक है, ये तनु और सांद्र अम्ल की पहचान होती है। हमारे लिए जो नुकसानदायक है वो दोनों ही है, लेकिन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे आते हैं तो क्या हो जाएगा, सांद्र अम्ल हमारे लिए नुकसानदायक होता है। ये इसका एक गुण है, वो भी लिख देते हैं अपन, ठीक है, कि जो अम्ल है मुख्यतः त्वचा और आँखों के लिए जलनकारी होते हैं, आँखें और त्वचा इनके संपर्क में आने पर जल जाती है तो कोरोजिव नेचर के होते हैं ये, ठीक है। अब एक चीज़ का आपको ध्यान और रखना है कि इनको सांद्र और तनु एक दूसरे में बदलते कैसे हैं। इनको तनु और सांद्र जो है ना वो बनाते कैसे हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो एसिड है, एसिड उसके अंदर अगर आप वाटर डालेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, एसिड उछल के आपके ऊपर गिर सकता है। तो ध्यान रखना कि जब भी डाइल्यूटेड अम्ल बनाना हो, आपको तनु अम्ल बनाना हो, तो सांद्र अम्ल के अंदर आपने पानी नहीं डालना है, जबकि जल जो है जल के अंदर एसिड डालना है। A ऊपर, W नीचे, A फॉर एसिड, W फॉर वाटर, A इन W, तो इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। W ऊपर मत कर देना, नहीं तो आपके ऊपर एसिड जो है वो गिर जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों, कल फिर एक नए लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।